शंख को कछुए के स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ये समृद्धि के कारक हैं। कच्छप पूजा में चांदी के कछुआ बना के रखे जाते हैं, जल तत्व है और इससे श्री की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ये बहुत ज्यादा सुबह जिंदा कछुआ मत ले आना, चांदी का ताम्र का बनवा ले, हाँ ये जिंदा ही ले आएंगे। हमने अभी वो वास्तु विज्ञान की बात कही जा रही थी, हमने कहा नीम खोद करके, जिस दिन पहले दिन आप नीम आरंभ कर रहे हैं उसमें एक सांप सांपिन दबा दो। हमने तो बोला था कि चांदी के ले लें, ताम्र के ले लें, और कोई श्रीमान जी जिंदे ही ले आए, उन्होंने जिंदे ही गाड़ दिए। उसमें गाड़ने के बाद करें फोन, कहा महाराज जी एक सांप का जोड़ा हमने गाड़ दिया। हमने कहा उखाड़ो उसे, बाहर निकालो, मरना गए हो, वो जिंदे निकले। तो ये आप कच्छप है जो कछुआ चांदी का ताम्र का बाजार में मिल जाते हैं। सुबह एक शुभ होता है, एक ज्यादा ही शुभ होता है, तो यह ज्यादा शुभ में से, ज्यादा शुभ में से। सूर्य भगवान जिस कच्छप को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, संपूर्ण देवताओं ने जिस भगवान को वंदन प्रणाम किया, और ये भगवान का रूप विष्णु शेष नाम को प्रकट करने वाला है, ऐसे भगवान कच्छप नारायण को हम और आप सब वंदन करते हैं। हाथ जोड़ लो, क्या बात है, उन्हें हम वंदन करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे ताप प्रताप और संताप को दूर करते हैं। देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय पूर्व काल में जिन्होंने सबके हित के लिए कछुआ रूप धारण किया और महिंद्राचल पर्वत को अपने पृष्ठ भाग के ऊपर रखा, जगत कल्याण के लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया है, ऐसे प्रभु के लिए हमारा और आपका सबका वंदन है। 24 अवतार की बात सुना दी हमने आपको, 21वां क्या है ध्यान रहेगा? नहीं पता है ग्री, 22वां हंस, 23वां बुध और 24वां भगवान कल्कि। इन संपूर्ण अवतारों में 11वां अवतार भगवान कच्छप नारायण का है, कछुआ बनकर के भगवान प्रकट हुए हैं और इस जगत के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। ऐसा कोई वेद नहीं है चारों वेदों में से जिन्होंने पुराण के लिए कुछ न कुछ ना लिखा हो। वेद पुराण के लिए लिखते हैं तो इसका मतलब है कि पुराण वेदों से प्राचीन है। वेद की भाषा उतनी जल्दी समझ में आती नहीं है जितना कि जल्दी पुराण की भाषा समझ में आ जाती है। पुराण के 5 लक्षण हैं, आप सुनेंगे आगे, उसकी वजह से पुराण की कथा बात समझ में आ जाती है। अत प्राचीन है इसलिए इसका नाम है पुराण, और कथाएं बहुत पुरानी, और जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार ये आपको नई लगेंगी।